नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप सभी लोगों के अब सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं कि फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा, क्योंकि नया नोटिस भी रात को कल जारी हो गया था कि जितने भी फर्जी बच्चे हैं अब उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आप लोग खुशी हो जाए भाई। देखिए, आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ट्विटर कैंपेन चला दीजिए, तो हम सभी लोगों ने जितने भी यानी कि भाई यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जितने भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और जो चाहते हैं कि भाई हमारे साथीगण एक जो बहुत ही अच्छा तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि भाई हम आपको बता दें कि जो लोग जेन्युइन तरीके से फॉर्म को अप्लाई किए हैं, जिनका वास्तव में भाई परसेंटेज है, तो उन्हीं को ये वैकेंसी का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए भाई सभी लोगों ने आवाज उठाई और ये निर्णय भी लिया गया कि जितने भी भाई फर्जी वाले बच्चे हैं उन्हें अब बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है वो भी फाइनल हो चुका है कि कितनी मेरिट लिस्ट आएगी। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए कितनी मेरिट लिस्ट आएगी, कितनी मेरिट लिस्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कितनी मेरिट लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसकी वीडियो तो हम आगे बनाएंगे, लेकिन आप लोग आज की वीडियो में देखिए कि कितनी मेरिट लिस्ट आएगी और सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने कम परसेंट पर बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि फर्जी बच्चों को बाहर किया जा रहा है, यानी कि जिनका 100 में 100% था उन्हें अब बाहर कर दिया जा रहा है। तो फर्जी बच्चे बाहर हो जाएंगे, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट कब लगेगी और जो सेकेंड मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें कितने कम परसेंट पर बच्चों का सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ और बहुत बड़े बड़े अपडेट है जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों देखिए, हम सभी लोगों के लिए अब जेडीएस में सिलेक्शन हो गया है बिल्कुल आसान, यानी कि अब जो फर्जी बच्चे हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। इसका पूर्ण रूप से प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि कल एसएस महादेवैया जी ने भी साफ साफ कह दिए हैं, यानी कि जो मुख्य सचिव हैं और हमारे जितने भी हमारे आसपास के डिपार्टमेंट में जुड़े हैं हमसे लोग, उनसे हमने बात किया तो उन्होंने भी कहे कि देखिए ऊपर के अधिकारियों का कहना है कि फर्जीवाड़े को रोका जाए, जितने भी फर्जी तरीके से ये गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोका जाए। आप लोग हमारी वीडियो को नहीं देखते हैं, लेकिन हम जो जेन्युइन बताते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए। ठीक है, और जो नोटिफिकेशन आता है हम बार बार यूट्यूब चैनल पर भाई नहीं प्रोवाइड कराते हैं कि सबकी तरह वीडियो बना दे, थोड़ा सा भी अपडेट आए हम नीचे भाई डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देते हैं टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए, छोटी मोटी जो अपडेट आती है उसे भाई आप लोग वहां से देख लिया करो। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, सभी मेरिट लिस्ट की डेट समझ लो आप फिक्स हो चुकी है, क्योंकि साफ साफ कह दिया गया है जेडीएस की तरफ से कि 31 दिसंबर तक अब जो है लास्ट भाई मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद कोई मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। अगर आप लोगों का 31 दिसंबर तक जितनी भी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन होगा, वरना एक अगली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नई वैकेंसी आएगी, फिर उसमें लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता दूं कि अब जो है 100% वाले बच्चे, यानी कि जिनका 100% है, अब वो बाहर हो जाएंगे। उन बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, भले ही उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन अब उनका जो रिजल्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। सभी बच्चे नहीं घबराएं, जिनका जेन्युइन अंक है भाई 100 में 100, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10, 20, 30 बच्चे मिल जाएंगे, 100, 50 भी नहीं मिलेंगे भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ। बहुत फर्जी तरीके से काम किया गया है, 100 में 100 बनाया गया, और सबसे बड़ी बात तो देखिए नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो 30% पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 32% पर हुआ, भाई इससे बड़ा क्या फर्जी हो सकता है, जबकि पासिंग मार्क जो होता है 33% होता है, तो यार फर्जी का भी कोई हद होता है। बच्चों का सिलेक्शन यहाँ 80-85% पर नहीं हो रहा, 30% पर सिलेक्शन हो रहा है, ये भी कोई हद हो गई यार। ठीक है, वो भी पहली मेरिट लिस्ट में, क्या आप लोग 10% पर सिलेक्शन दे दोगे या 9% पर दे दोगे जब पांचवी छठवीं मेरिट लिस्ट आएगी, भाई इतने कम परसेंट पर तो बच्चा पास भी नहीं होता, 33% तो पासिंग मार्क है, लेकिन भाई 30% पर सिलेक्शन दिखा रहा, 32% पर सिलेक्शन दिखा रहा, तो ये क्या ही फर्जी चल रहा। अब डिपार्टमेंट पूर्ण रूप से भाई सक्रिय मोड पे है और जेन्युइन बच्चों को लिया जाएगा, फर्जी बच्चों को हटाया जाएगा। हम सभी लोगों के लिए खुशखबरी है भाई। ठीक है, हम देखिए बहुत ही सीरियस तरीके से काम करते हैं और बहुत ही ज्यादा डिपार्टमेंट की तरफ से जुड़कर जो जानकारी लाते हैं वही जानकारी देते हैं।
ठीक है, आप लोग हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करिए, मैं बार बार बता रहा हूँ फर्जी वीडियो मत देखा करिए। देखिए अब नहीं होगा भाई फर्जी, जी हाँ आप लोग नोट कर लीजिए, अब फर्जी का काम खत्म हो रहा है, अब फर्जी काम नहीं होगा। जो बच्चे फर्जी तरीके से फॉर्म अप्लाई किए थे तो भूल जाए भाई, किसी किसी को भाई तो जेल भी हो सकती है। जो बहुत ज्यादा अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी पहुंच जाते हैं, अगर वो फर्जी पकड़े गए कि हाँ फर्जी हैं, तो उनको जेल भी हो सकती है। बाकी कार्यवाही चल रही है, जो फर्जी बच्चे हैं मैं उनसे हाथ जोड़कर यही कहूंगा कि फर्जी काम मत करिए, क्योंकि ऐसे जो है अगर आपको भाई जेल हो गई तो आपके परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। ठीक है, तो फर्जी काम बिल्कुल मत करिए भाई, जिन्वन जो आपका परसेंट बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यानी कि मेरिट लिस्ट घोषित हो गई कि कितनी मेरिट लिस्ट आएगी, तो जैसा कि पिछले बार 6 मेरिट लिस्ट लगी थी, तो इस बार भी देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो जारी हो गई। अब इसके बाद सेकेंड लगेगी, थर्ड लगेगी, फोर्थ लगेगी, फिफ्थ लगेगी, सिक्स, ठीक है। ये जो छठवीं मेरिट लिस्ट है आप लोगों को दिसंबर के पहले सप्ताह में देखने को मिलेगी। अगर इसमें कुछ बच्चे छूट जाते हैं, नहीं हो पाता पूरा सिलेक्शन, तो सातवीं मेरिट लिस्ट लग जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सातवीं मेरिट लिस्ट लग जाएगी और सात मेरिट लिस्ट में बच्चों का सिलेक्शन पूर्ण रूप से करा लिया जाएगा। अगर आप लोग भी जीडीएस में अप्लाई कर रखे हैं पर यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो आप लोग धैर्य बनाकर भाई थोड़ा आशा के साथ, विश्वास के साथ इंतजार करिए। मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि आपका नाम आ सकता है, क्योंकि इस पर देखिए इस बार जो है फर्जीवाड़े को रोक दिया गया है। जो बच्चे बहुत ज्यादा परसेंटेज पर अपने से बनाकर सिलेक्शन की ओर बढ़ रहे थे तो उन्हें हटा दिया जाएगा, जिनका कम परसेंटेज है उनको चांस दिया जाएगा। आप लोग बार बार बोल रहे थे ना कि सर इन पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, तो भाई अब होनी शुरू हो गई, अब उन लोगों का पत्ता कट जाएगा, अब आप लोगों की बारी है सिलेक्शन ले लेना। लेकिन आपको बहुत ही विश्वास के साथ, बहुत ही आशा के साथ रहना होगा और मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ नई नई वैकेंसी आ रही है अलग अलग डिपार्टमेंट से, मैं हर एक वैकेंसी का अपडेट देने की कोशिश करूंगा, आप लोग उनको भी देखते रहना और तैयारी करते रहना। देखिए दोस्तों, ये तो सब मेरिट लिस्ट लगेंगे ही लगेंगे और बहुत कम परसेंट पर लगेंगी, लेकिन सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है दोस्तों कब आएगी और इसमें कितने प्रतिशत पर बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट की मैं बात करूं कब आएगी, उससे पहले आप लोग ये समझिए कि अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रोसेस चल रहा, यानी कि आप लोगों को हर महीने एक मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। तो ये तो अगस्त महीना चला जाएगा, इस अगस्त महीने में कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगेगी और आप लोगों को सितंबर महीने के पहले सप्ताह में भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। आप लोगों की जो सेकेंड मेरिट लिस्ट लगेगी 15 से लेकर 17 सितंबर तक आप लोगों की सेकेंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी। नोट कर लीजिए तारीख, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो हम बताते हैं वही होता है, एक आध दो दिन इधर उधर हो जाता है बस, ठीक है, या तो इधर या तो उधर, एक दो दिन, इससे ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को 15 से 17 सितंबर तक सेकेंड मेरिट लिस्ट एकदम 100% देखने को मिल जाएगी। अब बात रही कितने प्रतिशत पर बच्चों का सिलेक्शन होगा, यानी कि जो सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने प्रतिशत पर बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो जिन बच्चों का 85% से लेकर भाई 95% तक परसेंटेज बना हुआ है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में उन बच्चों का नाम आ जाएगा। नोट कर लीजिए, 85% से लेकर 95% तक जिन बच्चों का भाई परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज हाई राज्यों के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिन जिन राज्यों की कटाप बहुत ज्यादा जाती है, जिन राज्यों में कटाप कम जाती है, तो 60% पर भी नाम आ जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में, 65% में नाम आ जाएगा, 70% पर भी आ जाएगा, 80% पर भी आ जाएगा और 85% पर भी नाम आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से नाम आ जाएगा जिन राज्यों की लो कटाप जाती है, यानी कि कम कटाप जाती है। तो आप लोग अगर हाई राज्य से अप्लाई किए हैं तो 85% से लेकर 90% तक आपका परसेंटेज है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। अगर आपने जहाँ की कटाप लो जाती है, मैंने बता रखा है, अगर वहां से अप्लाई किए हैं तो इतने परसेंट पर हो जाएगा।
जिन बच्चों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मेरी तरफ से बहुत ज्यादा उनके परिवार को बधाई मैं देता हूँ। अब देखिए उनके परिवार में खुशी आ गई भाई, क्योंकि पिछले कई साल से आप लोग जॉब की तैयारी कर रहे थे, जॉब पाने की कोशिश कर रहे थे, बेरोजगार थे, तो भाई ये एक रोजगार मिल गया है। भले ही देखिए कम पैसा मिल रहा, लेकिन सरकारी ठप्पा लग चुका है भाई, अब आप लोगों की इज्जत जो है लोगों की नजरों में काफी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया, अब आप लोगों को होप यानी कि आशा के साथ विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। आपको विश्वास रखना है कि हमारा भी नाम आ जाएगा, और लिस्ट का इंतजार करना है, हर लिस्ट को बारीकी से देखना है आपका नाम। मैं तो भगवान से प्रे करूंगा कि आपका नाम जरूर आए। ठीक है दोस्तों, कोई भी नया अपडेट आता है तो हम जरूर आपको जानकारी देंगे, आप लोग चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।